सूझबूझ से रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। सोलन में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ की वजह से पुलिस को चोरों को पकड़ने में सफलता मिल रही है। ताजा मामला सोलन के पैलेस रोड का है, जहां पड़ोसियों की जागरूकता की वजह से एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे चोर को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। गौरतलब है कि चोर सुरेंद्र कुमार के घर में चोरी करने के मकसद से घर में घुसा हुआ था, लेकिन पड़ोसी संजय कुमार ने घर से आ रही आवाजों को लेकर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घर को घेरा और एक अनजान व्यक्ति को घर के अंदर चोरी करते हुए पाया। पुलिस ने चोर से चोरी किए गए 400 ग्राम चांदी, 10,000 रुपए नकद बरामद किए। चोर की पहचान यूपी निवासी रोशन यादव के रूप में हुई, जो कि प्लम्बर का काम करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश किया, जहां से उसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। रात को लगभग 12 बजे हमें थाना सोलन में सूचना मिली कि पैलेस रोड सोलन वे एक सुरेंद्र जी का मकान है और उसमें कोई अनजान व्यक्ति घुसा हुआ है और शक है कि कोई वो गलत काम अंदर कर रहा है। इस पे पुलिस की टीम तुरंत मौका पे गई तो वहाँ पे संजय शर्मा, जो हमारे इस केस में संजय कुमार जो इस केस में कंप्लेनेंट हैं, वो मिले और उसकी हेल्प से जब उस घर को घर का घिराव किया गया, उसमें एक व्यक्ति को काबू किया गया जो कि वहाँ पे उसने चोरी का अटेम्प्ट किया था, चोरी की थी। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, पुलिस में पुलिस ने 457-380 के तहत आईपीसी के तहत केस दर्ज किया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसका नाम रोशन कुमार यादव है और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इससे बाद में हमें अंदर से चुराए हुए कुछ चांदी के बर्तन, जैसे लोटा, गिलास और टोटल जो है 450 ग्राम के करीब चांदी है और 10,000 रुपये कैश इस व्यक्ति से रिकवर हुआ। इसको फर्दर पुलिस रिमांड हमने इसे लिया था और हर एंगल पे इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, जहां से इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।